लगातार 20 वर्षों से आपकी सेवा में श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार गौर मूर्ति तीन बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ रसमलाई, स्पंज रसगुल्ला, राजभोग, नमकीन, मैदा आइटम, ढोकला, बंगाली मिठाई, शुद्ध घी से बनी मिठाई, बीकानेर का स्पेशल नमकीन एवं प्याज कचौड़ी, केसर दूध उपलब्ध है। हमारा पता है गौर मूर्ति तीन बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारी शाखाएं सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स राधा तिराहा सागर, पंपा साहू कॉम्प्लेक्स 5 सिविल लाइन सागर, प्रोपाइडर गुमान सिंह राज पुरोहित 99 81 06 40 94। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद एकाएक हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं पर अराजक और असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना बनाकर लगातार जारी प्राणघातक हमले और बढ़ती हिंसा की वारदातों को लेकर अब खुलकर हिंदूवादी संगठनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। जहाँ इस मामले में पूरी तरह अंकुश लगाने में नाकाम दिख रही प्रदेश सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन करने आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। इसी कड़ी में इंदौर में पूर्व शिवसेना राज्य प्रमुख रमेश साहू के साथ हुई वार्ता पर आक्रोश जाहिर करने सागर में शिवसेना उप राज्य प्रमुख के नेतृत्व में शिवसेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने आईजी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और वारदात में शिवसेना नेता को गोली मारकर की गई हत्या पर अपना आक्रोश जाहिर कर एक मांग पत्र सौंप दो दिन के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इस मामले में आईजी सागर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करने पहुंचे शिवसैनिकों में इस घटनाक्रम को लेकर खासा आक्रोश भी दिखाई दिया, जहां उन्होंने सख्त लहजे में प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बाद भी ऐसी वारदातों के इजावे पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर कर मामले में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशाना लगा, प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना भी की। साथ ही इस घटना को कायराना कृत्य बता रमेश साहू के हत्याकांड को अंजाम देने वालों को जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित शिवसैनिकों के द्वारा आंदोलन प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई। रखना है भाई, जब किस चीज का ज्ञापन देने आए थे आज आप? मध्य प्रदेश के हिंदूवादी नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश प्रमुख श्री रमेश साहू की गोली मारकर इंदौर में हत्या की गई है, जिससे सागर संभाग के पूरे शिवसैनिक आक्रोशित हैं। आज माननीय आईजी साहब को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि दो दिन के अंदर अगर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ईंट का जवाब कानून दे या ना दे, प्रशासन दे या ना दे, ईंट का जवाब पत्थर से मध्य प्रदेश के और सागर संभाग के शिवसैनिक देंगे। क्योंकि रमेश साहू की हत्या, हिंदूवादी नेता की हत्याओं से आज समूचा हिंदू जनमानस आहत है और दो दिन होने को हो, दो दिन के अंदर अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये हमला अगर हमलावर और अराजक तत्व अगर मर्द होते और सच्चाई के होते तो आमने सामने बात करते, सोते हुए पूर्व प्रदेश प्रमुख पर गोलियों से हमला कर देना ये उनकी कायरता को प्रदर्शित करता है। और दूसरी कायरता मध्य प्रदेश की सरकार की है, वो अभी तक पट्टी बांधे हुए है। आज शिवसेना संगठन के हमारे सैनिक आक्रोशित भाव में माननीय आईजी साहब के पास आए हैं और हमारी मांग पूरी नहीं की जाती, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। हमारी मांग है कि रमेश साहू के हत्यारों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए और कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए शिवसैनिक खुद सक्षम है। भाई साहब, जैसे कि आपने देखा है बजरंगदल वालों को भी हत्या की गई थी और आज ये दोबारा फर की गई है, इसमें आप लोग क्या निर्णय लेंगे? जितनी हत्याएं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई उससे चार गुनी हत्याएं शिवराज सिंह सरकार, भाजपा की सरकार में मध्य प्रदेश में शुरू हो गई हैं। अभी इसके पहले विदिशा के अंदर बजरंग दल के जिला संयोजक दीपक पटेल की बेरहमी से हत्या की गई, भोपाल में हत्या हुई, देवास में हत्या हुई और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। ये हम हिंदू सरकार कहें या इनकी हरिचिंदी की सरकार कहें, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म संस्कृति की बात करते हैं और हिंदू धर्म के लोगों पर, हिंदू नेताओं पर हमले पर यह सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है।